लॉकडाउन 4 में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 17 मई के बाद क्या बदलाव होंगे, सभी राज्यों को सुझाव केंद्र सरकार को देने थे। दिल्ली सरकार ने भी लोगों से सुझाव मांगे और उनकी फाइल तैयार है। आपको बता दें, लोगों के सुझाव के हिसाब से दिल्ली में मेट्रो और बस को सीमित तरीके से और सावधानी से चलाने का मशविरा दिया गया है। कल ही आपको हम बता दें, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्हें कहा गया था, सभी राज्यों के सीएम के साथ जब प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी तो कहा गया था कि राज्यवार हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के बारे में कि किस तरह से वहां पर लॉकडाउन में ईज आउट किया जाए, ये उन्हें जानकारी दे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से मशवरा किया था, उनसे राय मांगी थी, जिसमें लगभग 5 लाख के आसपास लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किया और दिल्ली सरकार को जानकारी दी कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि मेट्रोस खुले, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो, बस सर्विसेज शुरू हो, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अब उसी प्रस्ताव के आधार पर फाइल तैयार हो रही है जो कि प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी दिल्ली की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कुछ मॉल्स के भी खुलने की बात कही जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन उसके बावजूद जो बुजुर्ग हैं उन्हें एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ सुझाव में लोगों ने, देखिए आपको हम बता रहे हैं कि क्या खुलना चाहिए और क्या बंद रहना चाहिए, ये आपको दिखा रहे हैं। बाजार खुलने चाहिए लोग बता रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस बंद रहने चाहिए। हाँ जी, प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो दो चीज़ों के लिए बोला है, एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पर नहीं, कम कैपेसिटी पर चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पर चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। इन लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए, कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन ऑड कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन ऑड खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें, तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन है। 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था, बट अब ये कह सकते हैं कि अगर हम मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हो जाते हैं।